बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के जिसौरा गांव में कल बच्चों के मामूली विवाद में दो लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। हमलावरों ने 40 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कुछ समय शवों को उठने नहीं दिया। लॉकडाउन में डबल मर्डर की सूचना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस व आला अफसर वहां पहुंच गए। पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस डबल मर्डर में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। दरअसल बीते 16 मई को जिसौरा गांव में क्रिकेट को लेकर युवकों में झगड़ा हो गया था। गांव के ही कुछ मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को बैठाकर मामला शांत करा दिया था, लेकिन बीती शाम करीब 8 बजे दोनों पक्ष फिर एक दूसरे के सामने आ गए और करीब 40 राउंड फायरिंग की। इतनी मात्रा में गोलियां चलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने से अब्दुल खालिद व अब्दुल मजीद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आज पुलिस अधीक्षक देहात अविनाश पांडे ने फर्स्ट बाइट को बताया कि 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम की भी जानकारी दी। आइए देखते हैं। देखिए, कल शाम लगभग 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुंडाली क्षेत्र अंतर्गत गांव पड़ता है जिसौरा, वहां पर फायरिंग हो रही है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तत्कालीन पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना की संवेदनशीलता देखते हुए सभी उच्च अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पर पहुंचे। गांव में काफ़ी तनाव का माहौल था, दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। उस विवाद को शांत कराया गया और जब पूरी तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि दिनांक 16/5 को दो युवक पक्षों के बीच में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसका कि गांव के ही संभ्रांत लोगों ने मिलकर समझौता करा दिया था। लेकिन फिर उसी को लेकर एक पक्ष का एक लड़का जब खेत से गन्ना डालकर आ रहा था तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। जब इस पक्ष द्वारा उस पर विरोध जताया गया तो जो पूर्व प्रधान का पक्ष है, नियाज अहमद का पक्ष, उसने इन लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे कि अब्दुल खालिद और अब्दुल माजिद दो लोगों की मृत्यु हो गई और एक असद नामक व्यक्ति घायल हुए। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। तत्काल गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कोई अनटोवर्ड घटना न होने पाए। 5 अभियुक्तों को, जो पूर्व प्रधान नियाज अहमद हैं, उनके पुत्र और उनके पक्ष के अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्यवाही की जा रही है। धन्यवाद।